इसलिए बोले देखा तुमको तो बोले सोचो बना ले तो चलो बाद में काम आ जाएगी। हाँ ये दोनों ताला पकड़ता बहुत भयंकर ताला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है यासीन शेख ब्लॉग में। आयाश का ब्लॉग शुरू अभी हो रहे हैं मॉर्निंग कितने बजे टाइम देख के बताना चाहिए। 11:46 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर देखिए चाबी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे क्या बोलते ताले की ना एक ही चाबी थी वो घूम जाएगी। ताला बहुत भयंकर वाला है। माँ मेरी यहाँ पर बहुत बिल्ला सीन हो गया भाई, पूरा पानी गिर गया देखो निकल के। क्या हो रहा है पूजा ही आंटी ने लगता अच्छे से नहीं बांधे इसलिए वैसा नहीं बांधने का। अरे पहले बात जगह ही नहीं हो बांधने की। अल्लाह अकबर। और वहाँ पे बन रही है हमारी चाबी, देखो चाबी बन रही है और इतना बड़ा काम हो गया यहाँ पर। एकदम टाइट बांधो उसको, इतनी इतनी जगह में है तो कैसे बांध पाएंगे भाई, बांधने की जगह ही नहीं है उधर से। चले भाई हो गया, यहाँ पे हमारी चाबी बन रही है। हाँ देखो चाबी बनवा रहा अपने, बहुत भारी की थी ना। अरे क्या बोलते हो पहचानते क्या? अरे तो कौन नहीं पहचानता। अरे माशाल्लाह क्या बात है यार, एक नंबर अब्बा की पहचान है वो। बोला अभी एक चाबी तुम्हारे पास रहेगी, एक चाबी मेरे पास रहेगी ना। भी डालूंगा लॉक में, पुरानी वाली डालो नवी वाली मेरे पास रखो क्योंकि पुरानी पहचान की रहेगी ना तुम्हारे। तो फाइनली बन गई है मेरे ताले की चाबी, ये देखो अभी दो दो चाबी हो गई, एक अब्बा के पास रहेगी एक मेरे पास रहेगी। मात्र सिर्फ 40 रुपए बनी है माशाल्लाह, बहुत ही समझ लो बहुत कम भी बनी है। अगर उधर पे क्या बोलते अपना शॉप वगैरह में जाके बना तो ज्यादा ले लेते बन गई। ये देखो इधर पे चाबी बन रही है और इन लोग सब मंडी जमा गए, लड्डू उड्डू बात रहे बांट रहे अंकल तुम लोग को। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 कितने सारे लोग है, इसमें से किसको किसको चाबी बनाने का बनाने का तुमको चाबी? अच्छा सीख रहे। और देखो बारिश भी हो रही है, ये लोग देखो नाच रहे बारिश में। बारिश का मौसम तो बन गया था आधे घंटे पहले। और यहाँ पर अब्बा कर रहे हैं अपना शर्ट इस्त्री, जुमा की तैयारी कर रहे हैं अब्बा अभी से। चलो अच्छी बात है माशाल्लाह। और अभी बच गए हैं 12:30, तो चलिए गाइस फटाफट मैं भी जाता हूँ नहा धो के जुमा की नमाज के लिए तैयारी करता हूँ। और आज है रमजान का तीसरा जुमा, तो आप लोगों को रमजान का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक रमजान करीम के सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए और हमारे हक में बेहतर करे। क्या हुआ पास नहीं हो रहा? पास नहीं हो रहा है, सिल हो गया पूरा। हाँ तो हो गए जुमा की अजान में, मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया हूँ और अब्बा भी मस्त माशाल्लाह जुमा की तैयारी कर रहे हैं। ये कौन सी तैयारी कर रहे हैं अब्बा तू? अच्छा काम की तैयारी कर रहे हैं। क्या बोलते अपना थोड़ा टाइम बाकी है तो फटाफट जो भी माल वेल वो निकाल के रख रहे हैं क्योंकि जुमा की नमाज के आने के बाद ही हम लोग कहीं जाने वाले हैं। और कहाँ जाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर मैं बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज। अब्बा तो मेरे जाने का रास्ता रोक दिए क्योंकि पूरा गिल्ला है देखो नीचे। तो जस्ट अभी जुमा की नमाज पढ़ के आए अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, देखिए शफीक भाई भी आ गए। क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। और उमर ने डाल दिया है कॉक, हिल्लो के साथ खेल रहा था तो कॉक डाल दिया उसके ऊपर, तो अभी निकालने की प्लानिंग है। साहिल आ गया मेरा भाई साहिल, वालेकुम अस्सलाम। कॉक निकाल के देना, कॉक सामने देखो, सामने निकाल के दे देना बच्चे को, निकाल के दे देना भाई। वे भाव खा रहा है, भाव खा रहा है, काम धंधे नहीं है छुट्टी पे आप। अरे वाह, तो अल्तमज भाई कॉक निकाल रहे यार, क्या बात है। एक नंबर, एक नंबर आ गया, आ गया, आ गया। क्या गिरा? गिर गया 10 रुपया बच गया, 10 रुपया बच गया भाई का। तो मेरे से जाके दुकान से लेकर आने के लिए जजाकल्ला भाई। A few moments later. फाइनली 4:30 निकल चुके हैं गाइस और आज हम भाई सेंटर चलो। और जिन लोगों को गलत फहमी है ना कि छोटों को लेके या छोटों के लिए खाता रहता है, और क्या बोलते हवड़ा है क्या? अरे भाई हमारे घर में छोटे भाई बहन नहीं है क्या? लोग आप लोग के खाते नहीं लेके, छोटे भाई बहन ऐसे रहते इसको। तो हम लोग यहाँ से अभी जाएंगे 7 नंबर से टैक्सी पकड़ेंगे, यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे। इन लोग 2 जन रहते तो बाइक पे चले जाते थे, लेकिन बाइक अगर लाइसेंस होता है, बाइक अगर चलाने आती तो ठीक रहता है, लाइसेंस नहीं है ना। हाँ तो हम लोग ये अब्बा को बिठा लेता, मैं आपसे 3 जन चले जाते।
मजा आ सकती है। हाँ ऐसा नॉर्मली चला देते लेकिन ऐसा ट्रैफिक में चला नॉर्मली चलाता है, गेयर मारता है खाड़े खाड़े खाड़े, तो ये क्या चला है गेयर के प्यार नाम खराब कर रहा है मेरा नाम खराब कर रहा है ना। भुक्कर उक्कर बोला छोड़ दो, मैं पहले बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा मत बोलो यार, आपके छोटे भाई बहन भी खाते रहिए ना प्यार से, तो आप अपनी भुक्कर बोले ना सबके घर में कोई ना। क्या बोलते अब कहाँ जा रहे हो? मुंबई। मुंबई जा रहे? मुंबई क्या करने जा रहे हो? मुंबई सेंटर। सेंटर अभी तो तुम तो भाई लोग ये रिक्शा में है, मैं तो उतार दिए। हम लोग आ चुके हैं मलाड और यहाँ पे काम करिए ना, एक काम कर, अगर तेरे पास पैसा जमा करके ना आईफोन ले ले। इंशाल्लाह पूरा ब्रॉड आता है तो वैसा है। लेकिन इसमें भी है, लेकिन काम चलाओ जितना है। नहीं वो नहीं है ना। हाँ क्वालिटी नहीं थोड़ा, चलो ठीक है। हाँ ये बात तो है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग पहुँच गए हैं मलाड और यहाँ की मार्केट देख के ना भाई एकदम दिमाग घूम रहा है। ये उतर रहे जो जा रहा है भाई आगे देखो रे रोड है और उसे उतर गया। जाओ उतर नहीं है मस्त मस्त व्यू था यार। अच्छा लगे इधर ही खड़े रहे। अरे मामे ये देखो सैंड्रिज रोड है और लोग संडा संडा। हाँ ये अब्बा है ना उल्टा सीधा नाम ले रहे हैं। मैं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, अब्बा बोल रहे थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सैंड हॉर्स रोड। सैंड हॉर्स रोड इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ना, इस वजह से कुछ भी बोल पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ का एक नंबर है यार, पटरी उठरी देखो मस्त एकदम। खर्चा खर्चा किए ले भाई, एकदम बिल्ला खर्चा किया सैंड हॉर्स रोड पे। पीछे प्लेटफॉर्म भी तो बची है। हाँ माशाल्लाह, थोड़ा और करीब जाता पटरी के, वो नीचे साइड पूरा मस्त बना, एक नंबर है। यही बिल्ला सीन है भाई, जिसमें गोजर जा रहा है। चलो पा बहुत बिल्ला है भाई। तो बस हम लोग पहुंचने वाले, मुझे लगा कि लड़की कौन आ गया अचानक। क्या बोलते अब्बा, लिफ्ट लगे रहे थे ना अब्बा तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, चढ़ते चढ़ते पैर दुखता है। तो गाइस हमारा रोजा खोल के हो गया और हम लोग आए थे यहाँ पर ओनिजा आपा के घर में। तो जस्ट माशाल्लाह इनका घर इतना प्यारा है, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो चलिए आप लोगों को इनका घर दिखाता हूँ कि कितना माशाल्लाह का प्यारा घर है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
आप लोगों ने घर देखा, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मैं तो ऐसी समझ लो टाइम पास वाला बताया हूँ। इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम आओ तो एकदम घर के मेहमान रहते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बाहर बालकनी में। बालकनी में नहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर टहलने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाँ हम लोग का प्लान था मुंबई घूमने भैया नहीं। हाँ तो हम लोग बम्बई प्लान घूमने आया था, तो हम लोग आने वाले थे शाम को। फिर हम लोग का पहले प्लान हुआ शाम तैयारी करके यहाँ से, और यहाँ पर आपका तैयारी कर। फर्स्ट टाइम पापा हम लोग हमारे साथ लेके आए। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया। इन लोगों को हम लोग फर्स्ट टाइम लेके आए, वरना हम दोनों का प्लान था बाइक पे आने का। अच्छा, बोला अगर हम लोग चले जाएंगे तो दोनों रोडा किधर खोलेंगे। हम लोग सोचे आगे बार छोड़ गए तो बहुत जहर जहर सुनना पड़ा था। बाप रे बाप, इतने लेके चले लेके आए। तो अभी हम लोग निकले हैं बाहर। आप लोगों को थोड़ा मार्केट का अराउंड क्या बोलते हैं, आप लोगों को थोड़ा यहाँ की मार्केट दिखा था। और ये देखिए सामने मस्जिद है, उसके मस्जिद के अभी आप लोग चलते हैं करीब। और ये बिल्डिंग देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो ये चार नल मस्जिद है, ये मस्जिद के पीछे साइड का नजारा है। गाइस मैं फर्स्ट टाइम ऐसी समझ लेती बड़ी बड़ी जगह पे जाके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या कैप्चर करने का क्या नहीं कर रहा, लेकिन अपने हिसाब से मैं जो भी दिखाऊंगा। तो देखिए हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए दरगाह शरीफ है, ये बाहर का समझ लो दरगाह के बाहर का गेट है। तो अंदर दरगाह है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं दरगाह। तो देखिए यहाँ की दरगाह है, क्या नाम है दरगाह का? अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत शहर का है ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी एक दरगाह है। अच्छा माशाल्लाह। तो चलिए आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ मैं। देखो क्या पहुंचे अपन अभी होटल है अपन जो मारेगा ना तरह। हाँ वही रोड है, ये फायर ब्रिगेड है। देखो ये शालीमार फास्ट फूड मस्त एकदम सजाया है डेकोरेट करके माशाल्लाह। तो देखिए हम लोग अभी ये मार्केट में घुस गए हैं, यहाँ पर कितने सारे फ्रेम वगैरह सब रखे हुए हैं। किताब फ्रेम वगैरह अत्तर जो भी है सब बहुत बहुत सी चीज़ है माशाल्लाह, सब लाइन से रखी हुई है। क्या देख रहे भाभी तुम? इस्लामिक ओ माशाल्लाह। इंग्लिश में ना, रोमन में सीरत मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आजमी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सब किताबें हैं यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर रोमन उर्दू में माशाल्लाह सीरत मुस्तफ़ा बुक है, तो इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा तो जरूर लूँगा। और ये देखिए ओहो एक नंबर, बहुत अच्छा मार्केट घुमा रहे यार तुम। नूर मोहम्मद होटल, मोहम्मदी होटल एक नंबर वाले। और यहाँ पे ट्रैफिक देखें गाइस, इतनी ट्रैफिक है यहाँ पर। लेकिन वो किताब देख के ना मेरा दिल आ गया सच में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो ज़रूर वो सब किताब लूँगा जो भी रोमन में मुझे समझना आता। तो यहाँ पर देखो और हम लोग आए हैं, इतनी गाड़ी की आवाज़ है यार, एकदम दिमाग खराब हो रहा है। पता आवाज़ कितनी आ रही गाड़ी की, देखो मेरी फटे ट्रैफिक है यहाँ पर। तो अब्बा टोपी पसंद कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सी टोपी रखी हुई है यहाँ पर माशाल्लाह। देखो दिखाने, हाँ ये अच्छी है ना, तो ये ना। हाँ और यहाँ पर आशीर्वाद भाभी को सब सब्सक्राइबर लोग ने घेर लिए हैं माशाल्लाह। ये सही है, चलो भाई चलो। यहाँ पर बच्चे लोग के देखो कितने प्यारे प्यारे जूते हैं। चलिए अभी और आगे चलते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है यार, घूमूंगा ना तो पूरा घूमता ही रह जाऊंगा। अभी तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन फिर भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना थोड़ी और हिम्मत लेके, तो आप लोगों को और अच्छा टूर कराऊंगा इंशाल्लाह, और अच्छे से दिखाऊंगा यहाँ पर। ये गली से। अच्छा आगे तो चलते रहेंगे ना, तो ऐसा लग रहा है चलते रहेंगे सुबह तक। बहुत लंबा है ना भाई आगे। ओह बाई चांस सोलिया को लेकर आ गया तो यहाँ पर घूम जाइए, दीवाने हो जाएंगे एकदम, दीवाने वो हड़बड़ा जाएंगे। आ रहे आ रहे पीछे। तो देखिए वनी साहब ने लिए फातिमा के लिए कपड़े, मैं आप लोगों को ना घर पे जाके दिखाऊंगा। अरहान के लिए भी लिए, सोलिया के लिए भी लिए, फातिमा के लिए भी लिए। आवाज़
माशाल्लाह क्या सब्सक्राइबर मिल रहे हैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले यहाँ। चलिए और कदम बढ़ाते हैं आगे और अब फटे ट्रैफिक है, सिर्फ गाड़ी की आवाज सुनने मिलेंगे आपको। मोहम्मद अली रोड की मार्केट है, हम लोग थोड़ा और आगे आ गए और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है, सुलेमान उस्मान बेकरी, ओहो एक नंबर का। देखिए सामने जमजम है और ये है मीनार मस्जिद मोहम्मद अली रोड का ना, माशाल्लाह। और यहाँ पर तो फटे ऐसा लग रहा है जगह ही नहीं मिलेगी यहाँ पर यार, सही में बहुत गर्दी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए हम लोग अभी और आगे जा रहे हैं और यहाँ के क्राउड देखें, खाओ के लिए ओहो मोहम्मद अली रोड खाओ के लिए, देखिए माशाल्लाह कितना मस्त है। ओहो यहाँ क्या चल रहा है? अच्छा खाने के लिए बैठे लो, अल रौ फास्ट फूड, ओहो ए लो हाँ पब्लिक फटे यहाँ पर देखो। अरे फटे ट्राफी अपना तो मेन रोड है, क्या करेंगे हड्डी गुस्सा हो गए, हड्डी गुस्सा हो गए रोड पे सभी कह रहे हो कैसे चल रहा रोड पे ठंडा होगा फुल घूमने का चांस है। यहाँ के सब फेमस रेस्टोरेंट है एकदम रावस, अरे आगे आगे भी बहुत, अरे माँ मेरी आराम से आराम से। अच्छा अच्छा शॉर्टकट मार के जा रही है, हाँ चप्पल उप्पल गिर गई, अच्छा बच्चे को लेके जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। कहाँ है शफीक भाई, किधर है? अच्छा यहाँ पे क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी और आगे जाने का अपने को कहा दब 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 क्या रहा आप अपने, क्या बोले उन्नीस साहब यहाँ पे हिंदुस्तान का कबाब लेकर माँ मेरी यहाँ पे क्राउड भी होटल फटे पब्लिक फटे अल्लाह माँ मेरी कहाँ मार दिए थे, अरे वहाँ अब्बा देखो इधर कहा थे तुम, अरे मैं गरीब पकड़ा लोग को, अरे अंकल वो आंटी ने क्या धक्का मारे मेरे को एकदम हिल गया कहाँ पर ये वाली, ओहो माशाल्लाह। यहाँ पे पब्लिक देखो सब बैठी है खाना खाने चाइनीज ग्रिल में, पट्टे क्राउड पट्टे अल्लाह का शुक्र है थोड़ा मैदान में आए हैं, देखो थोड़ी खाली जगह पे आए हम लोग और यहाँ पर शफीक भाई ले रहे, क्या ले रहे हैं गन्ने का जूस, हाँ इधर तो इतनी गर्दी है ना गाइस, चलने के लिए भी जगह नहीं है, बोलते हैं कि सब तो चलते रहते हैं इफ्तारी से सहरी तक, ऐसी गर्दी इफ्तारी से सहरी तक रहती है, ये लोग फिर से एक बार देख लो यहाँ यहाँ पर लिए हैं कोकोनट मिल्क माशाल्लाह। चलो भाई उठा लो सब लोग अपना अपना, एक नंबर माशाल्लाह।
तो फाइनली हम लोग से जो पीछे दक्कम दुक्की का रास्ता है वो उधर से ही हम लोग आ चुके हैं अभी रोड पे, तो उधर नहीं जाएंगे। कैसे कैसे हम लोग बाहर निकल गए गाइस। और देखिए ये है नाखुदा मोहल्ला, जैसे कि उन्हें आप मुझे बताए हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है जरा सी भी। तो बहुत ही ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। और अबाया हिजाब एंड अबाया, तो जो वहां से देख रहे थे अपन ये मार्केट देखो, तो उसके पास आ गए हम लोग। हम नजदीक से देखिए मारो भाई मारो 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 एक नंबर। ये सब क्या लुक रुमाल है क्या? ओह उस पैटर्न में सजा के रखे हैं। मारो भाई फिर से मारो। नहीं मैंने तो तुम्हारा फुग्गा वैसे है अंकल का फुग्गा वैसे है, इसलिए मैंने मना कर दिया, वाला मत मारो अभी। ओहो किंगडम एक नंबर भाई। यहाँ पे सब बच्चे लोग के कपड़े लाएंगे। हाँ ये कहाँ पहुंच गया पुल देख, हाथ कर रहा है। ये लाइन से पूरे कपड़े की दुकान है आगे देखो। आगे ओहो हाँ चालू सालेहा, तुमको कौन सा बैग पसंद आ रहा है इसके अंदर से बताओ जरिए। बच्चे लोग के लिए कपड़े देखो ना सामने कितने प्यारे प्यारे। ये देखो जो सामने मस्जिद आ रही है ना, ये पायदुनी मस्जिद है माशाल्लाह। इस पे अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। तो देखिए सामने पायदुनी पुलिस स्टेशन है यहाँ पे देखो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे, यहाँ से आप लोगों को मार्केट में घुमा घुमा के लेके चलता हूँ। साथ में उन्हें जा पा थे तो मुझे इतना मालूम हो गई, वरना यहाँ का कुछ ज्यादा पता नहीं है। अब्बा अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर देखो सब चीज तो एंड वक्त पर हम लोग घर पे ही जा रहे हैं, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखिए ये है शाबू सिद्दीक हॉस्पिटल मुंबई क्या इमाम बाड़ा माशाल्लाह। तो गाइस ये है डोंगरी का चिल्ड्रन रूम, यहाँ पे जो भी बच्चे लोग रहते क्या होते सुधारने के लिए। हाँ अच्छा 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 लोग अतरंगी बच्चे चिल्ड्रन रूम जेल है, तो यहाँ पर जो भी अतरंगी बच्चे रहते जैसे कुछ भी नशे में डूबे हुए या कुछ भी है उन लोग को यहाँ पर वहाँ पर डाला जाता है। One hour later. तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 1:10 और हम लोग जा रहे हैं अभी अपने घर पे, और आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। वीडियो करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज एंड खत्म। बाय बाय गाइस गुड नाइट, चलो अल्लाह हाफिज बाय बाय गुड बाय अल्लाह हाफिज। और ये देखिए हमारा उन्हें आप लोग खड़े ले यहाँ पर अल्लाह हाफिज।